So ladies and gentlemen and all the sports person and on, it's a great moment for me that I'm getting the opportunity to have a word with Padma Shri, Shri Milkha Singh Ji. Everybody, big round of applause once again. I'm really speechless. Sir, kya soch rahe hai aaj ke event ke baare mein aur kya motivation hai hamare sare rounds ke liye? भाई मिल्खा सिंह की तरफ से सबको नमस्कार और प्यार। हिम्मत, हिंदी तो आप समझते हैं ना सारे, चलो अच्छी बात है, हिंदी में बात करो। क्योंकि आप हैरान होंगे कि मैंने दुनिया में इतनी रेसें दौड़ी हैं और जहां भी इंटरव्यू दिया है वो हिंदी में ही दिया है, हिंदी के अलावा मैं बात नहीं करता है। बड़ी हिम्मत है विनोदपाल जी मिल्खा सिंह को यहां खींचना है मैराथन। जब से फिल्म आई है लोग दीवाने हैं, लोग पागल हैं, हर फंक्शन पे चाहते हैं कि मिल्खा सिंह को यहां आना चाहिए। 300-400 लेटर रोज का आता है, मेरे मैनेजर यहां पे आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं यहां पे, और अब मेरा हर फंक्शन पे जाना नामुमकिन बात है। उसकी वजह यह है, एक तो एज है, 90 के आसपास जा रहा हूं, नजर रहती है, अब हर फंक्शन पे जाना मुश्किल होता है, मगर फिर भी मैंने अपने मैनेजर से कह रखा है कि मुझे ऐसे फंक्शन पे लेके चलो महीने के अंदर 2-3 बार, जहां पे मिल्खा सिंह के जाने से किसी बच्चे को चिंगारी लग जाए और मिल्खा सिंह बात के दिखा लेते हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी स्पीच नहीं करूंगा, मगर निलोत्पाल जी का, इनकी टीम का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे और बेटा जी को यहां पे बुलाया और जितने यहां पे गेस्ट बुलाए हैं उनको इज्जत और मान दिया। मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। एक शेर उर्दू का है, वो मैं आपको सुना देता हूं सबको, और उसका मीनिंग मतलब जो है वो भी आपको बता दूंगा। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर ये हाथ की लकीरें आप ज्योतिषी को जाकर दिखलाओ, ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा दुनिया में आदमी बना देता है, मगर मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। वो शेर कंप्लीट करता हूं, फिर उसका मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अजम हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने। अजम उर्दू का लफ्ज है, उसका मतलब ये है, उसका मीनिंग ये है कि जिस इंसान के अंदर हार्डवर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर विल पावर है, डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू जाता है। आज 2-3 जिंदा मिसाल आपके सामने है। ओबामा जी का नाम आपने सुना है, ओबामा जी कितनी पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट रहे, वो कौन से खानदान से आते हैं, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो आर्मी में कुक थे, ठीक है, हाँ, उसके जो फादर थे वो भेड़ बकरियां चराया करते थे। जब इंडिया में आए तो इंडिया में आके अपनी स्पीच में कहते हैं कि जी मैं हिंदुस्तान के 3 आदमियों को जानता हूं जिन्होंने अपने देश का नाम दुनिया भर में चमकाया है। वो कौन कौन से लोग थे? सबसे पहले उन्होंने मिल्खा सिंह का नाम लिया, दूसरे नंबर पे शाहरुख खान का नाम लिया, तीसरे नंबर पे मैरी कॉम का नाम लिया। तो ये 3 आदमी हैं जिन्होंने अपने देश का नाम दुनिया भर में चमकाया है, मैं इनको जानता हूं। अब आगे चलिए, मैं मोदी जी की मिसाल देता हूं। दुनिया कहती है कि जी वो तो चाय बेचते थे, कुली बना करते थे, मगर दोस्तों वो खुद कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, वो खुद कहते हैं कि मैं कुली बना करता था। वहां से उठ के उसने 130 करोड़ आबादी के दिलों को जीता, तब जाके वो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना, ये कोई छोटी बात नहीं। मोदी जी की मुझे 2 बातें अच्छी लगी। पहली बात,
जिस कंट्री में भी जाते हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। चाइना गए, पाकिस्तान गए, रशिया गए, यूएसए गए, जहां भी गए दोस्ती का हाथ बढ़ाए। बड़ी अच्छी बात है। आजकल लड़ाई के अंदर क्या रखा है? आज चाइना पंगा लेता है इंडिया से, इंडिया उठेगा बम फेंक देगा चाइना पर, चाइना बर्बाद हो जाएगा। चाइना उठेगा इंडिया पे बम फेंक देगा, इंडिया बर्बाद हो जाएगा। आजकल वो बंदूकों और तोपों वाली लड़ाई नहीं है, एटम बम जिसने फेंका वो कंट्री बर्बाद होगी। तो लड़ाई के अंदर कुछ नहीं रखा। ये मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जहां भी जाते हैं मोदी जी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दूसरी बात, वो ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की गरीबी जो है वो दूर की जाए। मगर मैं जानता हूं, मैंने हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को देखा है काम करते हुए, हर कंट्री को, हर प्रेसिडेंट को काम करते हुए देखा है। दोस्तों, मोदी जी की जितनी फॉलोइंग है मैंने आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर की उतनी फॉलोइंग नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। वो चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गरीबी जो है, कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो सारी गरीबी हिंदुस्तान की दूर नहीं कर सकता, मगर उनकी कोशिश है कि गरीब लोगों को घर मिले, गरीब लोगों को नौकरी मिले। ये तो थी मोदी जी की मिसाल। आज जिंदा मिसाल मिल्खा जी की आपके सामने है। अरे, मिल्खा सिंह को ये मालूम नहीं था कि एशियन गेम्स क्या होती हैं, ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, 400 मीटर क्या होता है, 100 मीटर क्या होता है, कुछ मालूम नहीं था। मैराथन क्या होती है, कुछ मालूम नहीं। ये सारा आज क्रेडिट मैं देता हूं अपनी तरफ से, वो आर्मी को देता हूं। अगर मैं आर्मी में नहीं जाता तो शायद मिल्खा सिंह का और अपने देश का नाम इतना दुनिया भर में ऊंचा नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आदमी के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। जब मिल्खा सिंह को पता चला कि 400 मीटर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं इसको तोड़ के रहूं, हिम्मत थी मिल्खा सिंह के अंदर। मुझे मालूम है कि 6 घंटे में रोज दौड़ा करता और गिर जाता था, बेहोश हो जाता था, पानी डालने वाला मुंह में कोई नहीं, नीचे फर्श पर सोया करते थे। और क्या था कि सिर्फ क्लैपिंग हुआ करती थी। आज का तो पैसा बहुत आ गया है। हमारे जमाने में हमें किसी ने, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, मैंने 80 रेसेस दुनिया में दौड़ी, 77 जीती, मुझे आज तक किसी ने एक ढेला नहीं। मगर दोस्तों, मुझे मालूम है मिल्खा सिंह दुनिया छोड़ के चला जाएगा, 90 में हूं, 2 साल, 1 साल, 4 साल और निकल जाएंगे, मगर मिल्खा सिंह का नाम जिंदा रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। और मिल्खा सिंह का पुतला बन के आया है, वो पुतला जो है मैडम दुसाद के ऑफिस में, और जहां म्यूजियम है उनका, वहां रखा जाएगा। और वो बच्चे जो आने वाली जनरेशन है वो देखेंगे कि ये मिल्खा सिंह है जिसने नंगे पांव दौड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, हम भी उसी तरह से बनना चाहते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी, आज मैं आया हूं, अगर मिल्खा सिंह यहां आया है तो आपको मिल्खा सिंह की फिल्म से पूरा देखी आपने फिल्म, कि मिल्खा सिंह ने कितना हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क करके ही ऊपर आया है। तो दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी फील्ड के अंदर जब तक हार्ड वर्क नहीं करता, लोग नहीं पहचानते। हजारों डॉक्टर हैं, हजारों इंजीनियर हैं, लाखों तरह के लोग पड़े हैं, कोई किसी को नहीं जानता। जो आदमी हार्ड वर्क करके आगे बढ़ जाता है, लोग उसी को याद करते हैं। मैं विनोद पाल को हमेशा यही कहता रहता हूं कि बेटे, तुमने अगर ये पॉलिटिक्स में आए हो तो आपने लोगों की सेवा करनी है, आगे बढ़ना है, तभी जाके। अब मोदी जी की मिसाल मैं उनको देता हूं कि किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से उन्होंने नाम अपना कमाया, किस तरह से वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसी तरह से हार्ड वर्क के बगैर कोई भी इंसान दुनिया में आगे नहीं जा सकता। तो बच्चों, मेरी बेस्ट विशेज आप सब लोगों के साथ हैं। मैं नीलोत्पाल जी का और सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां पे और मुझे, बिट्टा जी को और लोगों को बुलाया, इतनी बड़ी इज्जत और मान दी। जय हिंद। थैंक यू सर, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे श्री एमएस बिट्टा जी से कि वो आके 2 शब्द कहें और हमारे इस प्रोग्राम का शायद। आदरणीय हमारे दुनिया की शान, हमारे युवाओं के, नई जनरेशन के आदर्श, जो आने वाले वक्त के अंदर सरदार मिल्खा सिंह जी को
उनकी सोच को देख के, उनके काम को देख के, एक नया मिशन लेके मातृभूमि का नाम सरदार मिल्खा सिंह की तरह पूरी दुनिया में ऊंचा करेंगे। मेरे भाई, छोटे भाई नील जी, जो हमेशा हर साल इन युवाओं को, इन हमारे जवानों को एक नया जोश भरते हैं, आहूजा साहब, डीआईजी सीआईएस सर, कर्नल साहब, मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये जरूर भगवान से प्रेयर करूंगा कि इतने हमलों के बाद, 14 हमलों के बाद जो आपके सामने मैं खड़ा हूं, शरीर के आधे हिस्से में लोहा है, भगवान से आज सुबह सुबह यही प्रार्थना करूंगा मेरी बची हुई जिंदगी भी सरदार मिल्खा सिंह जी को लग जाए, जवान वाले जनरेशन के लिए एक नया जोश पैदा करे। 90 साल की उम्र में अभी भी इतनी तगड़ी स्पीच, उनके एक एक शब्द में हमारे सबके लिए सीखने वाला है। जरूरी नहीं है कि हम वर्दी पहन के मातृभूमि का नाम ऊंचा कर सकते हैं, वर्दी के बगैर भी अगर आप संकल्प करें। सरदार मिल्खा सिंह जी ने वर्दी भी पहनी और वर्दी के बगैर दौड़ भी लगाई और पूरी दुनिया में नाम ऊंचा किया। अगर आप आज ये संकल्प कर लें, आप किसी भी रास्ते में हैं, ये सोचना है कि नेशन इज फर्स्ट, मातृभूमि सबसे बड़ी है, तो आप जरूर किसी ना किसी मंजिल को पहुंच करके सरदार मिल्खा सिंह जी की तरह अपना नाम ऊंचा करेंगे। ये कोई राजनीतिक स्टेज नहीं, पर मिल्खा सिंह जी के अंदर जो एक विचार थे नरेंद्र मोदी जी के बारे में, मैं नरेंद्र मोदी जी को पॉलिटिशियन नहीं मानता हूं। अगर पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिशियन ऐसा ही होना चाहिए, संकल्प और दृढ़ निर्णय लेने वाला, चाहे देश की जनता उसके खिलाफ हो जाए, पर मातृभूमि सदा सदा तक जिंदा रहे। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर हमें वो काम करना है सदियों सदियों तक ये मातृभूमि जिंदा रहे, इसको कभी दाग ना लगे। उन्होंने सही कहा, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, उसके गए, हिंदुस्तान के लोगों ने विरोध किया, आज चाइना ने जो किया हमारे साथ, हमने अपना प्यार का रास्ता अपनाया, पर हमारे फौज के जवानों ने पटकी मार करके उनको बाहर भेज दिया, ये आधा इंच था आगे नहीं जाने दिया, और पाकिस्तान को ये बता दिया एक गोली चलेगी 100 गोली का जवाब देंगे, पर हम महात्मा गांधी की सोच पे चलना चाहते हैं। पाकिस्तान में किसी बेगुनाहों का कत्लेआम हो, हिंदुस्तान के अंदर हो, हम ऐसा नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। पर अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो ये भी उन्होंने बता दिया है कि हम उसका जवाब भी देना जाना जानते हैं, सिर पटक के जान भी दे दे, क्या दाम है तेरे शमशीर में, कश्मीर तो लिखी हुई है हिंदुस्तान की तकदीर में, ये दुश्मन तू संभल जा, मेरी रगों में जितना खून उतना तेरे कुएं में पानी भी नहीं। पाकिस्तान को हमेशा हम यही कहना चाहेंगे, हम महात्मा गांधी जी के शांति के दूत की सोच पे चलते हुए हम अमन शांति चाहते हैं, हम अमन शांति चाहते हैं, पर अगर अमन शांति नहीं करते तो फिर उसका जवाब गोली का जवाब गोली दिया जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। We request all the 5 kilometer participants to please come in one line. Thank you so much. Now, I would like to call on stage Shri Mr. Inderjeet Singh Ji, who has helped us a lot in the marathon. We request Shri Mr. Inderjeet Singh Ji to please come up on stage. Big round of applause for Mr. Inderjeet Singh Ji at every step on this marathon, at every